Assalamualaikum, this is Varda Shoaib and welcome to the brand new show रिवायतों की लज्जत only on PTV Home. जहां बात हो रही है रिवायात और सकाफत की, वहां पे खानों का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. हमारे खाने हमारी पहचान है, हमारी रिवायात हैं. और एक बहुत अच्छी सी saying है कि food is not a rational, it's a craving, it's an identity and it's a ritual. टाइम वेस्ट नहीं करते, सस्पेंस को और बढ़ाते नहीं हैं, तो इनवाइट करते हैं. उनका एक और भी लकब बहुत मशहूर है और इस पे सवाल करेंगे हम उनसे कि ऐसा क्यों है, हमारी जगत मम्मी यानी के सलमा जी को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल हैं आपके? माय फेवरेट, मेरी बहुत अच्छी दोस्त. ये जबरदस्त. चलें जी शुरू करते हैं. सबसे पहले सरसों का साग, मकई की रोटी और साथ में मक्खन बलोना. और अगर इस एपिसोड के बाद मेरा वेट बढ़ जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप काउंटर संभालें अपना. और अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि साग पे वक्त लगता है, ये वक्त मांगता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मांगता है कि आप इसे बड़े दिल से पकाएं. तो मैंने आपके लिए साग ना सिर्फ साफ किया है, साफ करने के बाद पकने के लिए चढ़ा दिया है. कि अब मैं क्वांटिटी आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, जिसके अंदर है आपने 4 किलो साग लिया, इसमें 2 गट्ठी सोया डाला आपने, 1 गट्ठी बाथू ले लीजिए. उसको साफ करते करते ऑलमोस्ट 1/2 kg बाथू निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता. और पालक मैंने आपको बताई, पालक तकरीबन 1.5 किलो है और ये आपने बारीक काट या इकट्ठी चढ़ा. ये क्वांटिटी लाजमी आप नोट डाउन कर लें कि जो ये रेशो है ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना साग अच्छा नहीं बनेगा. अच्छा, कुछ लोग मिर्च बहुत तेज़ खाते हैं, कुछ इसमें 1/2 किलो हरी मिर्च भी डालते हैं. ये सिर्फ हरी मिर्चों में पकता है और कुछ इसके अंदर लाल मिर्च भी साबुत डालते हैं. अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बेसिक मैं आपको सही वो बता रही हूँ, हम मिट्टी की हंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें धोकर डाल दी, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और उसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी. अब 1/2 पाव और 1 पाव का रेशो मैं पकाऊंगी तो 1 पाव डालूंगी. अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा तीखा खाया जाता है. और दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मिर्च बैठ जाती है. अच्छा, यानी कि आप मिर्च का मुझे रेशो बता रही हैं इसमें कि कितना बताया आपने? आप 1/2 पाव नॉर्मल लोग डालें हरी मिर्च, 1/2 पाव, 1/2 पाव नॉर्मल हरी मिर्च आप डालें. अगर आप तीखा आपको तेज़ पसंद है तो आप जो है वो 1 पाव के करीब हरी मिर्चें डाल दें. जो ये क्वांटिटी हमने आपको बताई है सरसों के साग की, यानी कि 4 किलो का जो साग है उसमें आपने जो रेशो अभी बताया उसमें आप 1/2 पाव हरी मिर्चें डालें. अच्छा, हरी मिर्चें बॉईल करके डालनी है या वैसे नहीं, ही आप नहीं, डाल आपने सारी चीजें जैसे मैंने इसके इकट्ठी चढ़ा देनी है. सही, ठीक है. अब मैंने इसके अंदर सब चीजें डाल दी थी और पानी साग का अपना भी होता है और ये आप इसमें ऊपर से भी डालेंगे तो ये अच्छी तरह गल जाएगा और ज्यादा देर पकेगा तो बिल्कुल लेसदार हो जाएगा. इसमें पत्ते आपको दिखेंगे लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल ड्राई है तो आपको इस तरह दिख रहा है. अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज और ऐड की जाती है वो मैं आपको क्विक बताऊंगी. 4 सर्विंग स्पून जो डोंगे का चम्मच होता है वो 4 सर्विंग स्पून आप इसमें बेसन ऐड करेंगे. ओके, ठीक है. तो बेसन प्लीज पानी में मिक्स करके ऐड कीजिएगा ताकि वो उसमें गिठली ना बने और कहीं सूखा और कहीं कुछ आपका सारा साग वरना खराब हो जाए. अच्छा, तो ये आपने जरूर कर. तो ये हमने बिल्कुल इसमें बेसन घोल दिया. सही. अच्छा, बिल्कुल देखिए थोड़े से पानी में इन्होंने बेसन घोला है. ये मैंने क्वांटिटी देखिए जो हम इस टाइम यहाँ पर पका रहे हैं वो क्वांटिटी थोड़ी कम है तो इस वजह से आपको इतना सा बेसन मैंने 1 टेबलस्पून डाला है. अदरवाइज जब आप घर में जो मैंने आपको चाट दिया है, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, प्लीज़ उसको फॉलो करें. आंखें बंद करके बनाएं, आपका साग बहुत बेहतरीन बनेगा. ज़बरदस्त यार, तो बहुत अच्छी बात. थोड़ा सा चला. अच्छा, मैं चलाती रहती हूँ साथ साथ, ऐसा साथ चलाते भी हैं ताकि लम्स ना पड़े. और ये बेसन डाल दूँ. सही. अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताइए मकई की रोटी का आप आटा कैसे गूंदेंगी ताकि मैं ब्रेक लूँ जब तक हम ब्रेक में आटा गूंदेंगे. सबसे पहले जल्दी जल्दी बताती हूँ कि मैंने इसमें आटा ले लिया मकई का. सॉल्ट दीजिएगा जल्दी से. ओके, मकई का आटा और ये रहा सॉल्ट. ओके, इसमें वो वहाँ से ऑयल दीजिए. अच्छा जी, हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर गर्म पानी. अच्छा, न्यू फॉर्म वाटर या तेज गरम? नहीं नहीं जी, तेज गरम पानी. तेज गरम पानी, तेज गरम पानी. ये थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ऐड किया, ये मैंने पानी. अच्छा, ये आपने रेशो अंदाजे से लेना है. बिल्कुल अंदाजा, जैसे हम आटा गूंथते हैं नॉर्मली ये बिल्कुल वैसे ही. लेकिन ये जो गरम पानी हमने डाला ये बहुत ज्यादा नहीं डाला. ये डालने के बाद इसका क्या काम है, ये जो मकई की लेस है ना ये आनी शुरू की. पहले से चम्मच से हिलाते जाइए, फिर आपने इसको आटा गूंदना नहीं, इसको कहते हैं मलना. आप डोगे से नीड करते हैं जैसे कि हम यूजली पफ पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं या बेकिंग के लिए हम. आप अगर आपने वो बनाया हो, हम जो डिनर रोल टाइप्स के बनाते हैं या हम बगेट रोल्स, बगेट ब्रेड्स होती हैं बहुत लंबी लंबी इटालियन ब्रेड्स कहलाती हैं, उनको हम करते हैं तो वो हम खिंचाई करते हैं बेसिकली. इस तरह से आपने ना, ये मैं आपको बताऊं, ये देखें ये यूं आपने जोड़ा, फिर उसके बाद आप किसी भी जगह पे रख के या अपनी परात में उस सरफेस के ऊपर. सही, ये देखिए ये है ना. अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये गर्म है इस वक्त आटा बिल्कुल.
सही, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने इसको ये, इससे क्या होगा, ये आटा जोड़ना, ये इसको जोड़ना होता है। अच्छा। फिर इसके बाद इसमें हम ठंडे पानी का हाथ लगाएंगे, आटा गर्म है तो हम ये क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि इसमें अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। सही। फिर उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। चलें सलमान, जब तक आप इसको आटे को जो है वो डो को नीट करिए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तब तक डो नीट हो चुकी होगी और हम आपको बताएंगे कि मकई के आटे की रोटी कैसे बनेगी। तो कहीं जाइएगा मत, बहुत मजे का शो चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त चीज चल रही है। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और रिवायतों की लज्जत में आज हम बना रहे हैं पंजाब की रिवायत, यानी कि सरसों का साग और मकई की रोटी प्लस ते मक्खन एंड लस्सी। ये देखें हमारा अच्छा जी, जो वो मकई का आटा है वो रेडी हो गया। अरे जबरदस्त, अरे हाँ। अच्छा ये देखिए, हमने ब्रेक पे जाने से पहले हम मकई के आटे को जो है वो नीट कर रहे थे। ये देखिए, एक दफा मैं बता दूं कि इस तरह से जैसे आप ये करते रहेंगे, इस तरह से करना है सलमा जी, ये देखिए ऐसे बिल्कुल इस तरह से करना है आपने, इस तरह से आगे प्रेस करना है, आगे की तरफ ये हथेली का आपने इस पार्ट को यूज करना है और इसी से आपने प्रेस करना है। आप ये करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेप होल्ड करना स्टार्ट हो जाएगा और जब ये शेप होल्ड करना स्टार्ट हो जाए, आप समझें आपका आटा जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, ब्रेक में एक टिप हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे सलमा जी ने बताई कि इसको आपने गर्म पानी से गूंदना है। अगर आपने गर्म पानी से नहीं गूंदा तो ये नहीं बनेगा और हम इसको रख भी नहीं सकते, राइट। हमें फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही रोटियां बनानी है इसकी। और अगर सपोज आपने रखा है, देर हो गई, रोटी नहीं बन रही, आप थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें दोबारा डाल दें, बिल्कुल दोबारा इसको नीट कर लें। अच्छा एक चीज़ पहली बात बताऊँ, जैसे वर्दा भी मल कर दिखा रही थी, कभी भी नहीं कहा जाता आटा गूंद लो। हमारे हमेशा मकई का बाजरे का आटा बोला जाता है मल लो, मल लो, ठीक है। तो वो इसको इसीलिए मला जाता है क्योंकि ये गूंद सकता ही नहीं। हाँ, गूंदना अलग होता है और आटा मलना अलग होता है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सॉरी गलती हो गई। नहीं सॉरी सॉरी। दूसरी चीज ये मकई का और बाजरे का आटा हम गूंद कर फ्रिज में नहीं रख सकते किसी सूरत भी, क्योंकि वो ठंडा हो जाए। अच्छा, इसकी रोटी बनती ही ताजे आटे की है और इसको नीम गर्म, जब इस टाइम ये नीम गर्म है हाँ, तो इस टाइम आपको ये फील भी हो रहा है, इस वक्त इसकी रोटी टूटेगी। अच्छा अच्छा, अगर ये नीम गर्म है तो इसकी रोटी टूटेगी नहीं, वरना रोटी टूट जाएगी। अच्छा, हम जल्दी से सबसे पहले बिगार लगा लें ताकि फिर हम ताजी ताजी रोटी उतारें। इसमें बिगार लगेगा प्याज का और लहसुन का। अच्छा, प्याज और लहसुन जब इकट्ठा लगाना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले प्याज डालना चाहिए ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए, देन उसके बाद लहसुन डालें। अगर प्याज लहसुन इकट्ठा डालेंगे तो लहसुन पहले काला हो जाएगा और प्याज रह जाएगी। सही। ये मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अच्छा, साग रेडी हो चुका है, यानी कि हम सिर्फ भगार ना रह गया उसको रह गया। अच्छा, भगार में आपने सिर्फ लहसुन यूज किया है और प्याज यूज किया। बस जब जिस टाइम ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हल्की सी हरी मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा अदरक डालूंगी। अब जीरा ऐड कर सकते हैं, लोग ऐड करते हैं, बट जो इसका मजा है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक दफा बिगार लगेगा, फिर हमने दोबारा हर दफा डोंगे पे बिगार नहीं देना। अच्छा, हर दफा या तो हम कच्चा घी डालेंगे या हम मक्खन डालेंगे। अच्छा, यानी कि भगार आपने एक दफा देना है। अच्छा, और लहसुन आपने मेरे ख्याल 7 से 8 जवे लिए हैं यहाँ पे। तकरीबन आधी प्याज है और और 7 से 8 जो है क्लोव्स जो है वो गार्लिक के हैं, लहसुन के वो डाल दिए और हरी मिर्च भी चाहिए आपको। अच्छा, अदरक भी डालेंगे इसमें, थोड़ी सी अदरक खुशबू आ जाएगी तेज से और हरी मिर्च, हरी मिर्च आ गई। सही, ये हमारा भगार रेडी है। ओके, हाँ जी, और हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस अपना हाथ बचाइए प्लीज प्लीज प्लीज, देख के बच्चे पास ना हो आपके बिल्कुल भी ऐसे काम करते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा हद तक खतरनाक हो सकता है। सही। अच्छा, हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका। बस साग बिल्कुल रेडी है, आप आके साग निकालिए। मैंने मिट्टी की हांडी रखी है, जो सर्व कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। इसके कुछ हमारे कहते हैं ना कि हमारे कुछ कल्चरल ये चीजें इस तरह की हैं या हमारे एक ट्रेडिशन है हमारा, जो हम उसी में सर्व करें तो वो कहते हैं ना खाने का मज़ा और दुबाला ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वैसे भी खाना पहले आँखों से खाया जाता है, वो फिर पेट तक जाता है, बाद में उसका जायका आता है। तो अरे जबरदस्त, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। बिल्कुल, अरे वाह, पूरा स्टूडियो जो है सब हमारा महक रहा है सरसों के साग की खुशबू। बड़ी मज़ेदार आपको बताऊँ, ये देखें हमारी माएँ रोटी पे, कपड़े पे भी रोटी बनाती है, इसकी हाथ पे भी बनाती है, लेकिन अब हम जैसे बहुत पतली रोटी खाते हैं तो आपने ये एक पॉलीथीन की थैली ले ली, उस साफ, उसको मैंने हल्का सा ऑयलिंग किया। अब हमने ये पेड़ा लिया इसका,
और इस पे मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। आप साग निकालो। साग निकाल रही हूँ जी मैं। अच्छा मुझे बताइए कपड़े पे कैसे बनती थी रोटी? कपड़े पे चिपकती नहीं है ऐसे, ये देखो हाथ से कपड़े पे नहीं चिपकती। कपड़ा कोई स्पेशल ले रहे हैं? सूती कपड़ा या इस तरह का कुछ है, कोई भी आप ले सकते हैं। वो हमारे जो रोटी के रुमाल होते थे ना, अच्छा नीचे रखा हल्का सा गीला करके और उस पे घी लगा के, और इसी तरह उसके ऊपर दूसरा रुमाल हल्का, यानी कि नीचे गीला करके आपने रखा ना। मैं वही कहूँ की वैसे तो रोटी चिपक जाएगी उसके ऊपर। राइट, देयर इज योर चंद रोटियां मैं आप लोगों के लिए बना के लाई हूँ। अरे इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग करें। अच्छा जी, मुझे लगा आप इसमें मक्खन डालेंगी ऊपर से। नहीं, वो डलेगा लेकिन ये इसके बाद। ये थोड़ी सी हमने, अच्छा मैं ग्रीन ऐड नहीं करी, इट्स ऑलरेडी ग्रीन, तो हम थोड़ा सा मक्खन जब डालेंगे, क्या कहती है, डालेंगे हरी मिर्च। ये देखें ये हमारी रोटी बन गई। मैंने इसके साथ यूं किया, अब आपने क्या करना है, बहुत एहतियात के साथ ये थैली उतर गई। हाँ, और अब ये टूटेगी नहीं। वेरी इजी, जब तक के ये आप इसका निचला हिस्सा पक जाए, एक साइड से ये पक जाए तब तक अब इसे पलटिए मत, आपकी रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। जबरदस्त, एक और बना के दिखाएं आप। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, प्लीज़ इसको प्लीज़ फोकस करें और दिखाएं। मैं चाहती हूँ ये व्यूवर्स देखें, क्योंकि सबको ये कंप्लेंट रहती है कि मकई की रोटी और बाजरे की रोटी टूट जाती है। अच्छा, बाजरे की रोटी भी ऐसी बनाई जाए? सेम ऐसे ही गर्म, वो ज़्यादा सख्त गर्म पानी से गूंथती है। अच्छा, सीमेंट की तरह लगता है वो ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मकई के साथ खाते हैं साग, और साथ में हम क्या करते हैं, मैं बनाती हूँ सौंफ डालकर बाजरे की रोटी। सेम है, और चीनी और सौंफ डाल के, या शक्कर और सौंफ, क्या मजेदार लगती है। आप ना बस मुंह में पानी लाएं हमारे, और कुछ नहीं। चले मैं वहां पे उसको कर लेती हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने अपने व्यूवर्स को एक चीज और दिखानी है जो आप लोगों के लिए खास मैंने बनाई है, स्पेशल। ये मैं पलट लूं इसको? बिल्कुल। मक्खन? Yes. अरे वाह, क्योंकि वरदा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। सही, ठीक है। अब ये क्या है, आपने घर की मलाइयाँ, जो घर का दूध आता है उसकी सारी मलाइयाँ इकट्ठी करके फ्रीजर में रख ली। जब आपका बोल भर जाए तो आप इसे निकालिए, जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसमें दही के 2-4 चम्मच ऐड कर लें और उसे पूरी रात पड़ा रहने दें। सुबह उठकर उसको खाली ब्लेंडर में डाल लें, या आपके पास मधानी या इलेक्ट्रिक तो उससे यूज़ कर लें, जो इलेक्ट्रिक बीटर्स होते हैं। मैं भी मधानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब प्योर पंजाबी। मैं हाँ, प्योर पंजाबी जैसे आटा मलना, मधानी, और लग रहा है ना कि हम पंजाब का शो कर रहे हैं। इसको क्या किया आपने, ब्लेंड किया और उसके अंदर ठंडा पानी डाला, तो आपका मक्खन सारा उतर आ गया। और नीचे आपके पास क्या बचा, छाछ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं घी लगा, बिल्कुल आप कर लीजिए। जबरदस्त, सही हो रहा है ना, इसको घी लगा रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा, ये जो व्हाइट मकई का आटा रोटी होगी ना, वो बहुत ज्यादा रेड नहीं होगी। अच्छा, बस इतनी ही होगी, इतना ही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ भी हम घी लगा दें। जी बिल्कुल, जबरदस्त। और आप, अच्छा ये देसी घी लाई हैं, खुशबू भी मुझे एकदम से आई, वाओ, फुल पंजाबी भाई। आज हमारे यहाँ बन रहा है खाना, और ये देखें गर्मा गर्म मकई की रोटी जो है वो रेडी है। और अच्छा आप, अच्छा मक्खन निकालने का तरीका देखें, ये देखें मक्खन किस तरह से निकाल रही हैं ये। ओह जबरदस्त, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मक्खन हमने कभी मकई की रोटी ऐसे खाई ही नहीं है जब तक हम उसके ऊपर मक्खन ना रखें। अच्छा, ऐसे खाते ही नहीं। अच्छा, और जो आप, अच्छा और जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, वो क्या करें बेचारे? उनके लिए मैं एक बात कहूँ, कोई भी चीज लेने अगर आप अपना वजन गिराना चाहते हैं तो व्हाइट बटर यूज करना शुरू करते हैं, घी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, निस्बतन ऑयल के। अब आप देसी घी अक्सर थोड़ा सा कहते हैं कि मिलना नहीं इजीली अवेलेबल। अच्छा, होता हर जगह। क्या करना है, ये जो मक्खन निकाला है इसको हल्की आंच पे आप चूल्हे पे रख दें। ऐसे मक्खन निकालने के बाद छाछ अलग कर लीजिए, उसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दें। सिर्फ मक्खन को? सिर्फ मक्खन को, बहुत हल्की आंच। ऐसे सब झाग बनेगी, सब कुछ होगा, कुछ लोग उस पर आटा डाल देते, कुछ डालने की जरूरत नहीं। गोल्डन कलर का घी निकल आएगा और नीचे जो होगी ना वो इसका वो रह जाएगा छेना, वो छेना हम इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करने की जल्दी से क्विक रेसिपी ये दूं कि आप कभी भी आलू की भुजिया, कोई तरकारी इस तरह की बनाए, उसमें वो छेना डालें, निहायत ताकतवर होता है और खाने में बहुत लजीज। क्या बात है, यानी कोई चीज भी कहीं भी वेस्ट नहीं हो रही है, आप सबसे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त सरसों के साग पे और ये मक्खन पिघलता हुआ, और मेरी टीम जो है वो सामने बैठी हुई है स्क्रीन पे, देख देख के उनके मुंह में पानी ऑलरेडी आ रहा है। और ये तो मैं ज़रूर टेस्ट करूंगी, और अभी मुझे आई एम श्योर ये शो ख़त्म होते ही जो है वो हम सबकी दावत है, इसको जाने नहीं देंगे, हमने कह रहे हैं और रोटियाँ बनाएं। अच्छा, एक चीज़ आपके लिए जो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल रखी है, ये तो अभी मैं बना रही हूँ इसके अंदर अभी। अच्छा, रोटी जल रही नहीं, आप रोटी बनाइए। अब ये आपका खाना है पूरा, इसमें आप हल्का सा प्योर प्रॉपर डाइट है, बुना हुआ हल्का सा आपने जीरा डाल दिया, सॉल्ट डला हुआ है इसके अंदर, ये क्योंकि मैंने वर्दा के लिए स्पेशली बनाया। हाय, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, मेरे लिए स्पेशल। और मैं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रोटियां यहाँ पे रेडी हो गई हैं, सरसों का साग भी रेडी है,
और हम लेते हैं इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपको हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन और मैं बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और रिवायतों की लज्जत में आज हमने बनाई है पंजाब की रिवायत जो कि है सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन, तिछाज़ और क्या बाकी रह गया। बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू, पूरा स्टूडियो महक रहा है इस वक्त। आप क्या करेंगे, आपने जाके नोट करना है हमारा रेसिपी कार्ड क्योंकि ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है। जब तक मैं करती हूँ इसकी टेस्टिंग, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। सरसों का साग, अज्जा सरसों का साग 4 किलो, सोया 2 गट्ठी, बतुआ या मेथी 1 गट्ठी, पालक 1.5 किलो, हरी मिर्च 1/2 पाव, नमक हसबे जायका, बेसन 4 से 5 खाने के चम्मच, तेल 1/2 कप, मक्खन हसबे जायका, अदरक छोटा टुकड़ा। तरकीब, सरसों का साग, सोया, बतुआ, पालक, हरी मिर्च को बारीक काट कर देगची में चढ़ा दें। इसमें नमक और इतना पानी शामिल करें कि साग गल जाए। साग के गलने पर इसमें बेसन शामिल करके दरमियानी आंच पर पकाएं। तैयार होने पर इसमें प्याज, लहसुन का भगाड़ लगा लें और मिट्टी की हांडी में निकाल कर मक्खन या घी शामिल करके पेश करें। मकई की रोटी, अज्जा मकई का आटा 2 कप, नमक हसबे जायका, घी 1/2 कप। तरकीब, मकई के आटे में नमक और घी शामिल करके गर्म पानी के साथ गूंद लें। गूंदे हुए आटे की रोटी बेल कर तवे पर पका लें। मज़ेदार मकई की रोटी तैयार है। जी जनाब, आई एम श्योर रेसिपी कार्ड जो है वो आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि ये रेसिपी आप मिस करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ यहाँ पे सलमा जी से कि सलमा जी, वैसे तो आपका ताल्लुक कश्मीर से है, मदर साइड से, आप मुझे बताएं इतनी ऑथेंटिक पंजाबी रेसिपी और प्लस पंजाबी बोलना और आप जो मशहूर हो गई हैं पंजाब के कल्चर से रिलेटेड, ये कहाँ से सीखा है आपने, आपका कहाँ से है, आप मुझे ताल्लुक बताएं पूरा एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहली बात तो जी, आज शादी के बाद हम कराची आ गए तो कराची वाले हो गए ना, तो सिंधी हैं, हाँ सिंध वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो माएँ घर में खाना बनाती हैं तो वो सारे फ्लेवर्स आते हैं। मैं रहती लाहौर में थी और मेरे अम्मी अबू जो दोनों कश्मीरी हैं, अबू का ताल्लुक सियालकोट से भी था, लेकिन जहाँ शादी हुई वहाँ खाने बड़े मज़ेदार पकते थे। मेरी सास बहुत मज़ेदार, वो हम लोग ये वाली पंजाबी नहीं, हम वो बोलते किदाएँ पुड़े कुड़े ठीक है। कि आपके जो इन-लॉज हैं जहाँ शादी होके आप गई वो पंजाबी हैं, वो प्योर पंजाबी लोग पंजाबी हैं। और ये जो साग अब आपको वरदा बता रही थी कि सरयों का साग, मक्के दी रोटी, ते नाले नाले छेने देना मक्खन, फिर छास, ये है जनाब सर्विंग, इसको कहते हैं। तो सो ये अच्छा, अब बोली में भी आप देखें कितनी अपनाइयत और कितनी मिठास है। और ये मुझे सिखाया है मेरी सास ने और बड़ी ही ऑथेंटिक रेसिपी है जो हर जगह फॉलो की जाती है। बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, घर से सीखिए और पाकिस्तान के जो प्योर रवायती खाने हैं वो सीखिए, उनका जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो खाने में जब फैमिली के साथ बैठ के खाने का जो मज़ा है वो मज़ा दुबाला हो जाता है। वो आप किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में भी चले जाएं, जब तक आप देसी खाना नहीं खाते या घर के सिंपल दाल चावल ना खाएं, ऐसा लगता है आपका पेट ही नहीं भरा, वो नियत कभी ख़त्म नहीं होती है। इसी के साथ ही आज का शो हम करते हैं वाइंड अप। थैंक यू सो मच सलमा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मज़े की रेसिपी हमारे साथ शेयर करी, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और एक प्योर ऑथेंटिक रेसिपी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सो काइंड ऑफ यू। और इसी के साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ कि इन्हीं रिवायात को बरकरार रखते हुए मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई रिवायती लज्जत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रिवायतों की लज्जत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।